नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आलिया भट्ट की फिल्म को राहत, जिगरा शब्द पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा लगातार विवादों में बनी हुई है, अब इसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिल्म के लिए जिगरा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। नोएडा के स्कूल में छात्रा से डिजिटल रेप से गुस्साए पेरेंट्स ने घेरा स्कूल। नोएडा में निजी स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप के मामले में अब पेरेंट्स स्कूल प्रशासन के खिलाफ उतर गए हैं। इसी को लेकर शनिवार को भारी संख्या में अभिभावक सुबह स्कूल के गेट पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं कुछ पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ डीएम से भी मुलाकात की, जिसके बाद डीएम ने इस मामले पर एक टीम का गठन कर दिया है। अमेजॉन भारत में करेगा बड़ा बदलाव। प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के बाद भी नजर आएंगे एड्स। जल्दी आपको टीवी और फोन पर एड्स देखने के लिए पैसे देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन के बाद भी लोगों को एड परोसने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, स्पेन और यूके के बाद अब भारत भी की बारी है। इन देशों में इस साल की शुरुआत में अमेजॉन ने सब्सक्रिप्शन के साथ एड्स देखना शुरू कर दिया। वहीं अगले साल की शुरुआत में भारत में भी ऐसा ही होने लगेगा। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी चेतावनी, अपराधी सुधर जाए या प्रदेश छोड़ दें। हरियाणा के नायब सिंह सरकार ने अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अपराधियों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। एयर इंडिया के बैनर तले भरेंगे उड़ान, 4 डिजिट का होगा कोड। विस्तारा एयरक्राफ्ट के रूट में शेड्यूल वही रहेंगे। एयरलाइन के मुताबिक प्रोडक्ट और सर्विस सहित विस्तारा का इन फ्लाइट एक्सपीरियंस भी पहले की तरह ही रहेगा। इतना ही नहीं, फ्लाइट सर्विस भी वही चालक दल होगा। टाटा समूह की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि मर्जर के बाद विस्तारा के एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के बैनर तले ऑपरेट होंगे। आप नेता सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ में बिताए दिनों को किया याद और कहा, मैं लगभग मर ही चुका था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो मुझे फांसी दे दी गई होती। उन्होंने जेल में बिताए अपने दिनों के बारे में कहा, मैं तो लगभग मर ही चुका था। सीसीटीवी फुटेज देखकर उड़ गए होश। आईआईटी रुड़की में मेस के खाने में चूहा मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन की मेस में खाने में चूहा मिलने के बाद संस्थान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के छापे के बाद भी कई खामियां सामने आई हैं और आईआईटी प्रशासन, कैटरर और छात्रों के सामने किचन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। किचन की फुटेज देखकर सभी के होश उड़ गए। अधिकारियों ने संस्थान को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगाया। जवाब आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। विजया किशोर राहटकर होंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, लेंगी रेखा शर्मा की जगह। केंद्रीय सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह रेखा शर्मा की जगह लेंगी। इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार राहटकर 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इस पद पर रहेंगी। लॉरेंस बिश्नोई की वकील ने बोला कि बहुत सारे लोग लेते हैं लॉरेंस का नाम, लेकिन अब तक नहीं मिले कोई भी सबूत। एडवोकेट रजनी खत्री ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में हाल ही में सामने आए आरोपों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जांच चल रही है। यह जरूरी नहीं कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड में भरेंगी नामांकन पर्चा, राहुल भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा से 23 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को नामांकन से पहले प्रियंका का वायनाड में रोड शो भी होगा। दिनेश सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते समय हुआ हादसा, एसीबी भी आग की चपेट में। लखनऊ में मंत्री का पुतला फूंक रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आग में झुलसे।
लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप का पुतला फूंक रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलस गए, उनको बचाने पहुंचे एसीपी भी आग की चपेट में आ गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को वहां से हटाकर इको गार्डन में भेज दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर प्रियंका गांधी को बूढ़ी औरत लिखा था। इसके बाद से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन चला। कांग्रेस कार्यकर्ता दिनेश प्रताप सिंह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पहले 90% टूटा, फिर 4500% चढ़ा टाटा का ये स्टॉक, अब मुनाफे में कंपनी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। कंपनी ने मुनाफे और अन्य मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कभी घाटे में रहने वाली ये कंपनी टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद शानदार मुनाफा बना रही है। तेजस नेटवर्क ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 610% की ग्रोथ के साथ 2811.26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है। यह पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 395.95 करोड़ रुपए का था। सिंचाई विभाग की जमीन पर था कब्जा, हरिद्वार के प्रशासन की निगरानी में तोड़ी गई अवैध धार्मिक संरचना। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में टिहरी बांध परियोजना पुनर्वास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से मजार नुमा धार्मिक संरचना बनाया गया था, जिसे शनिवार को डीएम के आदेश पर गिरा दिया गया। जिस वक्त मजार नुमा अवैध इमारत को गिराया गया, उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, साथ ही मौके पर विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। नेतन्याहू के घर के करीब गिरा लेबनान से आया ड्रोन, एयर डिफेंस को भेजने में रहा कामयाब। हिजबुल्ला ने लेबनान में इजराइल की इमारत पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजराइल में हाइफा केसरिया इलाके में यह हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ एक यूवी लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। याहिया सिनवार की मौत के 72 घंटे बाद नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला, बाल बाल बचे इजरायली प्रधानमंत्री। हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के 72 घंटे बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला किए जाने की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। इजरायल की सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास की ओर शनिवार को एक ड्रोन से वार किया गया, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। भारत का सॉफ्टवेयर सर्विस का एक्सपोर्ट FY 2023-24 में 205.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। अमेरिका 54% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यात गंतव्य था। इसके बाद यूरोप 31% हिस्सेदारी था। यहाँ यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख गंतव्य देश था। भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का कुल निर्यात 2023-24 के दौरान बढ़कर 205.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 200.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सरफराज के आउट होने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी नजर आई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड को मिला 107 रनों का टारगेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट बेंगलुरु में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का चौथा दिन है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का टारगेट दिया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 465 रन बनाए। भारतीय टीम का स्कोर एक समय 3 विकेट पर 408 रन था, लेकिन सरफराज खान के आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरते चले गए। भारत ने 54 रनों पर 7 विकेट खो दिए। वेज के नाम पर परोसा नॉन वेज, चला बुलडोजर। कानपुर में शुक्रवार को नगर निगम ने मामा भांजे रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई 26 सितंबर को बजरंग दल द्वारा किए गए हंगामे के बाद हुई। आरोप था कि मुस्लिम युवक मुबीन अहमद अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नाम से रेस्टोरेंट चला रहा था। वहां वेज के नाम पर नॉन वेज खाना परोसा जा रहा था। इस मामले के बाद से ही रेस्टोरेंट बंद था। 6 अक्टूबर को की गई शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार कानपुर के किदवई नगर और बारा देवी क्रॉसिंग के बीच स्थित मामा भांजे रेस्टोरेंट को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 26 सितंबर को हंगामा किया था। अमेजॉन AWS CEO ने कहा, मार्केट में और भी कंपनियां हैं, जो नहीं आना चाहता ऑफिस वह छोड़ दे नौकरी। अमेजॉन की हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करने की पॉलिसी से कंपनी के कई कर्मचारी नाराज है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस से आने जाने में समय बर्बाद होता है और WFO के फायदे वाले डेटा भी नहीं होते। कोरोना काल में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी,
अब यह सुविधा कर्मचारियों को इतनी पसंद आ रही है कि वे ऑफिस लौटना ही नहीं चाहते। महामारी के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो कंपनियों ने हाइब्रिड वर्क कल्चर लागू किया। इसमें कुछ दिन ऑफिस से और कुछ दिन घर से काम करना होता था। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी का सख्त होगा एक्शन। पुलिस फोर्स के साथ कुछ अफसर 2 किलोमीटर दूर क्यों खड़े थे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच दंगे को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई। इस दौरान बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, एसीएस होम दीपक कुमार और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता मौजूद रहे। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बहराइच में हुए दंगे और उस दौरान बढ़ती गई लापरवाही पर अधिकारियों से गहन जानकारी दी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दंगे के दौरान पुलिस अफसर दंगों को नियंत्रित करने में असफल क्यों रहे। साथ ही यह भी बताया गया कि घटनास्थल पर देर पर पहुंचने वाले अधिकारी कौन थे और मौके पर पुलिस फोर्स लेकर कुछ अधिकारी 2 किलोमीटर दूर क्यों खड़े थे। एक अहम सवाल यह भी था कि जब फसाद शुरू हुआ तो एक अधिकारी दुकान में छिपकर क्यों बैठ गया था।